एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। कल गुरुवार को नवघर थाना क्षेत्र में रहने वाली 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी पीड़ित का पड़ोसी था और पेशे से प्लम्बिंग फील्ड का था, जिसके चलते आरोपी को 376A/B/363 पोक्सो एक्ट 468(12) के तहत गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इसके बाद पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी और इस तरह इस मामले की जांच आगे बढ़ेगी। वरिष्ठ पुलिस PI नवघर पुलिस स्टेशन के अनुसार आरोपी ने पीड़िता को इमारत की छत पर लेकर गया था और अपराध को अंजाम दिया था। तभी पीड़िता चिल्लाती हुई अपनी माँ के पास पहुँची। इसके बाद उसकी माँ ने नवघर पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज कराई। मराठी एकीकरण समिति ने मीरा भाईंदर नगर पालिका के आयुक्त दिलीप ढोले पर मराठी भाषा का अपमान करने का आरोप लगाया है। कमेटी ने कमिश्नर पर यह कहने का आरोप लगाया है कि वह मेरे साथ मराठी भाषा में तुच्छ मुद्दों पर चर्चा न करे। 10 महीने पहले मराठी एकीकरण समिति महाराष्ट्र राज्य के नगर आयुक्त से लिखित अनुरोध किया था कि मीरा भाईंदर की दुकानों पर मराठी में शहर के चौराहों के नाम भी मराठी में होने चाहिए और उन्हें महाराष्ट्र में विचारकों, स्वतंत्रता सेनानियों और लेखकों के नाम दिए गए। ठीक उसी तरह से 3 महीने पहले भी इसी मांग पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरना भी दिया गया। आयुक्त दिलीप ढोले ने समिति को स्पष्ट किया था कि जल्द ही उचित समाधान निकाला जाएगा। हालांकि 3 माह बीत जाने के बाद भी कमेटी ने कोई कार्रवाई नहीं की। 22 सितम्बर को कमेटी ने कमिश्नर से मिलने का प्रयास किया। हालांकि आयुक्त ने समिति से कहा कि उपायुक्त से मराठी भाषा जैसे तुच्छ मुद्दों पर चर्चा किए बिना उनसे चर्चा की जानी चाहिए। उन्होंने साफ मना कर दिया, इसलिए कमेटी ने नाराजगी जताई। घटना की सूचना मेयर ज्योत्सना हसनाले को दी गई। इस पर महापौर ने प्रशासन को समस्या के समाधान के निर्देश दिए। मराठी एकीकरण समिति ने मराठी भाषा का अपमान करने वाले आयुक्त का तबादला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से करने की मांग की है। भाईंदर पूर्व के तलाव रोड पर आज मीरा भाईंदर पुलिस आयुक्त सदानंद दाते ने मोहल्ला कमेटी के द्वारा नवघर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले इस प्रभाग में स्थानिक नागरिकों की मीटिंग ली, जिसमें भाईंदर पूर्व के अधिकांश नगर सेवक, प्रेस रिपोर्टर, सामाजिक संस्थान से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित स्थानिक नागरिकों ने इस सभा में अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वह पुलिस व कार्यशैली को लेकर हो रही स्थानीय समस्याओं को शहर के पुलिस कमिश्नर के सामने रखी। सभा में उपस्थित एक महिला ने नवघर पुलिस पर खुली सभा में आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी दुकान में हुई चोरी की शिकायत दर्ज कराने जब वह नवघर पुलिस स्टेशन गई तो वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें चोरी हुए सामान की आधी रकम की शिकायत दर्ज कराने को बोला, जिसकी शिकायत सभा में उपस्थित हुई एक महिला ने खुले तौर पर पुलिस कमिश्नर के समक्ष रखी, जिस पर कार्रवाई करने का आश्वासन पुलिस आयुक्त सदानंद दाते ने उस महिला को दिया है। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाईंदर में बढ़ रहे वेश्यावृत्ति, ट्रैफिक समस्या, चरसी गर्दुल्लों की बढ़ती दादागिरी की भी शिकायत सीधे तौर पर पुलिस आयुक्त सदानंद दाते के समक्ष रखते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही इस वार्ड से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता धीरज पांडे ने भी पुलिस कमिश्नर सदानंद दाते के समक्ष अपनी शिकायत रखते हुए कहा कि भाईंदर पूर्व से लेकर काशीमीरा तक आने वाले अधिकांश पुलिस स्टेशन की ईमेल आईडी पर भेजी गई शिकायतों पर कार्रवाई समय रहते नहीं होती है और न ही पुलिस द्वारा प्राप्त शिकायतों पर अमल किया जाता है, जिसके उपरांत इस विषय को गंभीरता से लेते हुए पुलिस कमिश्नर द्वारा व्हाट्सएप पर शिकायत दर्ज कराने हेतु भी नंबर सार्वजनिक किए जाएं। साथ ही पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जिन मामलों में भेजी गई शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होती है, उस कंप्लेन को वेबसाइट पर जाकर पुलिस कमिश्नर की ईमेल आईडी पर वो शिकायत दर्ज कराएं। साथ ही पुलिस कमिश्नर के सामने रखी गई शिकायतों के अंबार पर एक सवाल का उत्तर स्वयं पुलिस कमिश्नर सदानंद दाते ने सभा में देते हुए कहा कि पुलिस के दायरे और नियम के अधीन उन्हें जिन मामलों में कार्रवाई करने का दायरा उनके अंतर्गत आता है, उन मामलों में वे शिकायत प्राप्त होने पर अपनी कार्रवाई करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है।